आप ये पूछ रहे हैं कि अलग अलग गवर्नमेंट आई है लेकिन उसके बावजूद और बीजेपी वाले क्यों नहीं कर रहे, लेट्स कम टू द बीजेपी डायरेक्टली। तो आपको मैंने पहले शुरुआत बीच में बोला था कि जब जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, चाहे वो देवेगौड़ा की हो, चाहे वीपी सिंह की हो, चाहे मोदी जी की हो, ठीक है, हमेशा नेताजी के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुआ है, हमेशा मूवमेंट फॉरवर्ड है। प्रॉब्लम ये हो रही है, तो हमें उस स्टोरी पे जाना पड़ेगा वापस 1947 पे। हर एक देश का एक नैरेटिव होता है, एवरी कंट्री हैज अ नैरेटिव, अमेरिका हैज अ नैरेटिव कि हम लोग यूरोप से यहाँ पर आए, यहाँ हमने कंट्री बनाया, वो किया, ठीक है, हमारा एक ऑफिशियल नेशनल नैरेटिव है कि 2000, हर एक देश का एक नैरेटिव होता है। आपको बताया था हमने कि इंडिया का फ्री होने का कारण जो था कि आर्मी में रिवोल्ट हो गया, अंग्रेज जब यहाँ से गए तो उनको भी अपने फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखे, स्पेशली जो रशियन थ्रेट उनको आ रही थी कि अमेरिकन और यूरोपियन इंग्लैंड एंग्लो अमेरिकन जिसको बोलते हैं, उनको बेसिकली रशियन एम्पायर को कंटेन करना था। ऑलरेडी कम्युनिज्म जो था वो चाइना को ओवरटेक करना, और इंडिया वाज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, तो वो उनका ये फ्यूचर में इंटरेस्ट था कि कभी कल को वर्ल्ड वॉर III होता है तो इंडिया में हमें कम से कम मिलिट्री या फिर अपने बेस वहाँ खोल सकते हैं। इनफैक्ट इस इज़ वन द बिग रीजन कि पाकिस्तान को क्रिएट करनी थी, वहाँ मिलिट्री बेस वगैरह बन सकते थे, तो उनको इंडिया में फ्रेंडली गवर्नमेंट चाहिए थी, तो उन्होंने पावर उन लोगों को ट्रांसफर की जो उनको ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे। अब ये लोग जो पावर में आए हैं इनको भी जस्टिफाई करना है कि मैं पावर में भैया क्यों हूँ, मैं मतलब लेजिटिमेसी दिखानी। अब वो तो ये नहीं बोल सकते कि साहब हम लोग पावर में इसलिए भी सुभाष चंद्र बोस ने कमाई करी थी, तो उन्होंने ये एक नैरेटिव को उन्होंने 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 उसमें डाला, वो दे दी हमें आज़ादी मिला खड़ा करना ढाल। उसके दो तीन फायदे होते हैं कि तो अपना भी इमेज हो गया अच्छा और अंग्रेज का भी अच्छा हो गया, दोनों आप भी खुश मैं भी खुश। उसके साथ जो लोग अंग्रेजों के साथ में गद्दारी की थी देश में, जिन लोगों ने गोलियाँ चलाई थी जैसे जलियांवाला बाग में, कायदे से तो जब 47 में हमको उनको बुला के उनको गोली मारनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उनको पेंशन दे रहे, तो जो लोग ब्रिटिश राज को कोलैबोरेशन दिया था, उनको सपोर्ट किया था, आपने पूरे सिस्टम को एज इट इज मेंटेन किया, ठीक है जी। बाप जो है राय बहादुर, बेटा होम सेक्रेटरी, पोता चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो वही जो गद्दारों की जो कॉमी थी उन्होंने ही सिस्टम को बना के रखा। ये जो उसके बाद में जब गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी जो प्रोपेगेंडा उन्होंने ली है, हर साल का अरबों रुपये का बजट है गांधी ब्रांड को प्रमोट करने का, और उसके बाद से ये ब्रांड को ये लोग दबा के प्रमोट कर रहे हैं, और आपकी पूरी इलीट क्लास उसको सपोर्ट करती है। वो इसका कारण ये है कि इस ब्रांड जो ब्रांड है ये यूरोप अमेरिका में सेलेबल है, क्योंकि इसमें अंग्रेज की इमेज अच्छी हो जाती है। इन 30-40 सालों में, 40-50-70 सालों में ये ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है यूरोप और अमेरिका में। आपका जो इलीट क्लास है, इलीट का मतलब सब लोग, कोई पार्टी वार्टी, कोई जन्म, कोई जात बिरादरी कुछ नहीं उसमें चलता। इलीट की अपनी क्लास होती है, कैलकटा क्लब की अपनी क्लास है, उसमें कोई वो चक्कर नहीं, छोटी मोटी उनका दो एजेंडा है। मैं आपको दिल्ली की भाषा बता रहा हूँ कि जब जून में दिल्ली में गर्मी पड़ती है तो दिल करता है कि लंदन की सैर की जाए, दूसरा उनमें से किसी का बच्चा यहाँ नहीं रहता, सबका खानदान फॉरन में सेटल है, सबने वहाँ रहना है। वो सुभाष बोस को अभी भी वेस्टर्न आई से देखते हैं। आज फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों की सरकार दिल्ली में है वो गांधी का सपोर्टर नहीं है, लेकिन वो महात्मा गांधी के भक्त क्यों बन रहे हैं, वो इसलिए भक्त बन रहे हैं, इतना मशहूर वो ब्रांड हो गया, इतना जाना माना हो गया। आज आप सरकार हिम्मत करके ये बोल दी कि नेताजी जिंदा थे, ऐसा तगड़ा बवाल मचेगा देश के अंदर। अभी इसमें आप 4 घंटे बैठ के हमको सुन रहे हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 4 घंटे आप शाहरुख खान को नहीं सुन सकते यहाँ अगर वो नाचेगा अभी तो आकर। और ये हर जगह पूरे देश में हो रहा है, जहाँ जहाँ जाते हैं लोग 4-4 घंटा सुनते बैठते थे। तो अगर कल को ये गवर्नमेंट एडमिट कर लेती है प्लस एक होगी आर्गूमेंट, कुछ लोगों को बोलना है कि शायद वो करेंगे बाद में, मुझे पता नहीं, अभी लोगों को साइन नहीं है, मान लीजिए एडमिट करें कि इतना तगड़ा बवाल मचेगा इसके ऊपर, और फिर बात घूम फिर के निकल के आएगी कि साहब आज़ादी तो सुभाष बोस ने दिलाई थी और सारा का सारा आपने डाल दिया गांधी जी के नाम पर, लेकिन वो गांधी ब्रांड में इतना पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया है, इतना लोगों ने उसमें चांदी कमा ली है कि वो पूरा सिस्टम नहीं चाहता कि वो डिस्प्लेस हो। और उनके पास में आर्गूमेंट यही है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये सेलेबल स्टोरी है। तो ये पूरा जब गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, जो अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री है, ये पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी अगर आपने सोच को निकाल दिया। एंड दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ टिंकरिंग द मॉडल, टिंकरिंग द